नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं सिनेफाइल। और आज हम बात करेंगे फिल्म जो आज रिलीज़ हुई 72 हो रहे इसके बारे में। जी हाँ, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा था। ट्रेलर, टीज़र, पोस्टर जब से लॉन्च हुई है तब से बस इसके ऊपर ही चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरकार फाइनली ये फिल्म रिलीज़ हो गई। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, 72 हुरे जो हैं ये ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की फिल्म है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आखिरकार। ट्रेलर तो आपने देखा होगा तो आपको समझ गया होगा कि ये कौन से चीज़ों पर जो है फिल्म बेस्ड है, किस तरीके से एक मुस्लिम को जो है आतंकवादी में तब्दील किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद उनको जो प्रोमिसज़ किए रहते हैं उसके क्या होते हैं। जी हाँ, लाइफ आफ्टर डेथ का ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों लाइफ आफ्टर डेथ का ये कॉन्सेप्ट तो सबने सुना है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ चीज़ें होती हैं, क्या उनके उनको जो सपने दिखाए जाते हैं वो पूरे होते हैं, जो 72 हुरे का कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, इस सब को बहुत ही अच्छे से इस फिल्म के डायरेक्टर संजय पूरन सिंह ने दिखाया है, और साथ ही में जो टेररिस्ट बने हैं दो लोग वो एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। जी हाँ, एक तरफ है पवन मल्होत्रा और दूसरी तरफ है आमिर बशीर। दोनों ने बहुत ही बेमिसाल एक्टिंग की है, और दोनों ने जिस तरीके से इसमें टेररिस्ट बने हैं और दिखाया गया है कि उनके सपने जो होते हैं, किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश होता है, और आखिरकार वो दो टेररिस्ट बनते हैं जो देश को तबाह करते हैं, ये सोचकर कि उनका मैसेज जो है लोगों तक पहुंचेगा और एक कम्युनिटी जो है इसे आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही में लोगों को बताएंगे कि आखिरकार उनको किस तरीके से जो है जन्नत नसीब होती है, 72 हुरें मिलती हैं, उनके अंदर 40 मर्दों की ताकत आ जाती है। जब वो एक हैं, इतने ताकतवर हैं, तो जब उनके अंदर 40 मर्दों की ताकत आएगी तो वो उन 72 हुरों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। सो दोस्तों, ये जो उनको लालच दी जाती है, और दूसरी तरफ उनको फैमिली का लालच दिया जाता है कि कुछ पैसे वो कमा लेंगे, उनकी फैमिली एक अच्छी लाइफ बेहतरीन जी सकती है, तो इसमें बुराई क्या है, हर इंसान अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ ही देना चाहता है। तो ये सब करके उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कहीं भी कुछ नहीं है, उन्हें 72 होने मिलेगी, जन्नत नसीब होगी, और दूसरी तरफ उनकी फैमिली जो है वो भी सिक्योर होगी। इस तरीके से कैसे उनको जो है एक कन्वर्ट करते हैं, उनके सपने दिखाते हैं, और आखिरकार क्या वो सपना उनका पूरा होता है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और इस वेल मैं आपको ये भी बता दूं, जो डायरेक्टर हैं ये ऑलरेडी नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं अपने बेस्ट डायरेक्शन के लिए। हाल ही में ऐसी कई सारी फिल्में आई हैं जो कॉन्ट्रोवर्सी में फंसी हैं लेकिन लोगों को बेहद पसंद आई है, जिसमें से एक केरला स्टोरी भी थी, काफ़ी चर्चे हुए लेकिन लोगों को काफ़ी पसंद आई। उसी तरीके से ये फिल्म भी आई है 72 हुरे, तो जाइए जाके देखिए और मुझे बताइए कि आखिरकार क्या कहना है। और साथ ही में जो मैंने अभी आपको कहा कि उनका जो सपना होता है कि उनको मरने के बाद जो है क्या 72 हुरे मिलती हैं, क्या उन्हें जन्नत जो है वो नसीब होता है, इसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ का भी कॉन्सेप्ट इस फिल्म में दिखाया गया है कि आखिरकार किस तरीके से उन्हें ठीक से जो है बरी नहीं किया जाता, दफनाया नहीं जाता, और उसे जब दफनाया नहीं जाता तो उनकी आत्मा किस तरीके से जो है तड़पती है, और उनकी आत्मा जो है वो उन्हें जन्नत नहीं मिलती, वो जन्नत का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आखिरकार कब वो जन्नत जाएंगे, लेकिन उनको ये सब कुछ नहीं मिलता। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं ये किस तरीके से हैं, उनको जो है क्या मिलता है वाकई, कितना मरने के बाद उनको इंतज़ार करना पड़ता है, क्या कुछ उनकी सोल जो उनकी आत्मा है वो देखती है, ये सब देखना जो है बहुत ही लाजमी होगा, क्योंकि ये एक मैसेज देता है। कहीं ना कहीं इस फिल्म में जो मैसेज है वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही इम्पैक्टफुल है। तो दोस्तों, हम तो इसको 4 स्टार दे रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, जाके देखिए, और साथ ही में हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।